दोस्तों, क्या आपने कभी भी अपना मोबाइल में डुप्लीकेट डिस्प्ले लगाया है? कोई भी मोबाइल में A to Z, वीवो, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, MI, जो भी कंपनी मोबाइल अवेलेबल है उसमें अगर ओरिजिनल डिस्प्ले टूट जाता है, कभी भी आपने डुप्लीकेट डिस्प्ले लगाया है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम आया है? आज उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो है एक रेडमी का A3 मोबाइल है जिसमें कि डुप्लीकेट डिस्प्ले लगा है, लेकिन इसमें टच काम नहीं कर रहा है। तो अगर आपका कभी भी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आपने डिस्प्ले तो लगा लिया, डुप्लीकेट डिस्प्ले तो लगा लिया, लेकिन आपका टच काम नहीं कर रहा है, तो इसका प्रॉब्लम क्या है और आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो? जैसे कि देखो, ये जो है मैं अगर इसको ऐसे करता हूँ और इसमें अगर वाईफाई प्रेस करने की कोशिश करूँगा तो ये प्रेस ही नहीं होगा। किसी भी कीमत पर ये वाईफाई और ये जो है प्रेस नहीं होगा। देखो ना, वाईफाई प्रेस नहीं होगा। तो फिर अगर नीचे ला के इसको वाईफाई प्रेस करता हूँ तो प्रेस हो जाता है, लेकिन इस जगह में, पर्टिकुलर इस जगह में ये काम नहीं कर रहा है, तो टच काम नहीं कर रहा है। और MI A3 में अगर आप डुप्लीकेट डिस्प्ले लगाते हो तो इसमें और एक प्रॉब्लम आता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो है काम नहीं करता है, क्योंकि इसमें जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के लिए जो होल रहता है वो डुप्लीकेट डिस्प्ले में नहीं आता है। तो अगर आपने कभी भी कोई भी मोबाइल में A to Z मोबाइल में डुप्लीकेट डिस्प्ले लगाने के बारे में सोच रहे हो, या तो लगा लिया या तो लगाने की कोशिश करोगे, या तो मतलब आप सोच रहे हो कि मेरा जब टूट जाएगा तो मैं एक लगा लूंगा, दोस्तों ये गलती कभी मत करना। डुप्लीकेट में भी बहुत सारा क्वालिटी आता है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई भी मोबाइल में ओरिजिनल डिस्प्ले टूट जाता है, कोशिश करना ओरिजिनल लगाने की। अगर नहीं होता है तो उसका एक फास्ट कॉपी डिस्प्ले मिलता है जो कि हूबहू ओरिजिनल होता है, थोड़ा बहुत आपको पता चलेगा, लेकिन उसमें नॉर्मली ऐसे जो लोग की डिस्प्ले के बारे में कुछ नहीं जानता है उन लोग को तो टोटली पता नहीं चलेगा। अगर इसमें मैं फास्ट कॉपी डिस्प्ले लगाता तो इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी काम करता। तो अगर आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वाला मोबाइल है तो आप ओरिजिनल डिस्प्ले के जगह OLED डिस्प्ले लगा सकते हो जिसमें कि आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट काम करेगा। और अगर आपने लगा लिया है, 2-4 दिन 5 दिन हुआ है, तब जाके आप उस रिपेयरिंग शॉप वालों से बात कर सकते हो कि मेरा जो है काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारा रिपेयरिंग शॉप का गारंटी रहता है, 7 डेज रिप्लेसमेंट गारंटी होता है, किसी किसी का 2 महीना रहता है। तो अगर ऐसा है, बोलना कि मैं 200-500 और दे दूंगा, आप मुझे दूसरा डिस्प्ले, अच्छा डिस्प्ले लगा दो, यही उसका सलूशन होता है। क्योंकि भाई डुप्लीकेट डिस्प्ले में कोई गारंटी वारंटी नहीं आता है, तो आप ऐसे करके अपना मोबाइल को रिपेयर करा सकते हो, या तो आप एक अच्छा डिस्प्ले चूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।